क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई 5 पी 1/7 मल्टीप्लाई 7/8 ठीक है, और सी मैं बता रहा हूं बेटा इसका आंसर क्या होगा है ना, मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूं। हाँ इसका आंसर क्या होगा, नहीं इसका आंसर सी होगा, क्यों होगा, उसने बोला वन के इक्वल नहीं है, देखो ए भी वन के इक्वल है, ए कट गया, ए भी वन के इक्वल है, इसको 8/7 × 7/8 लिखेंगे, ए भी कट गया आपका, फिर इधर क्या लिखा है डी वाले में लिखा है आपका 4 × 1/4 ए भी कट गया, तो आपका सिर्फ कौन सा बच रहा है ए वाला, इसमें बन नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है सॉल्व करने पर 13/3, तो कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड वाला, हाउ मच मोर देन दिस, मतलब ए फर्स्ट वाला कितना ज्यादा है इससे सेकंड वाले से, तो दोनों को क्या करना है माइनस करना, आपको आंसर आ जाएगा, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करना 1/2 ऑफ 2/3, फिर आप इसको सॉल्व करना 3/4 ऑफ 1/3, फिर आपको क्या करना है माइनस करना, दोनों को माइनस करना, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैं 12th वाला करवाता हूँ, ठीक है ना, वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पेयर ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स के पेयर नहीं है, देखना 12th वाला, ए वाला क्या है बेटा, ए वाला 3/8 16/6, बी वाला क्या है 3/8 2/3, सी वाला क्या है आपका 5/1/5, डी वाला क्या है 7/9 20/1, देखिए 3/8, इसको मैं 16/6 को काटूंगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो इधर 3/8 8/3, अच्छा मुझे ये बताइए चरित्र एंड लावण्य कि ए 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, उसने बोला नॉट अ रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल कौन नहीं है, तो ये बताइए 3/8 3/2 6 6+2 8/3, अच्छा 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होता है, तो ए भी है, ए भी रेसिप्रोकल है, तो ए भी आंसर नहीं होगा, उसने बोला विच इज नॉट अ रेसिप्रोकल। हाँ अब देखिए 5 और 1/5, ए भी रेसिप्रोकल है, क्योंकि 5/1 क्या होता है 1/5 होता है, ए भी रेसिप्रोकल है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। 7/9, हाँ एक 3 से काटेंगे, 3 7 जा और 3 9 जा, दोनों में क्या आ रहा है 7, हाँ बोलो बेटा, हेलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं इसको पहले हम मिक्स्ड को सिंपल में करेंगे, अब 3/8 का रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है ना, हमने इसको पहले मिक्स्ड को सिंपल में किया, तो इधर 3/8 है और इधर क्या है 8/3, तो ये क्या है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें बताना है कौन रेसिप्रोकल नहीं है, तो इधर लास्ट वाला रेसिप्रोकल नहीं है, देखो 7/9 का रेसिप्रोकल क्या 7/9 होता है, नहीं 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है 9/7, तो ए वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज द, तो ऑप्शन कौन सा है, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है,
नेक्स्ट 13th वाला है, अ बायर इज 3/10 मीटर लॉन्ग, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, आपको उसको टू से डिवाइड कर देना, वो बोल रहा है एक बायर है, लंबा सा बायर है, उसका जो लेंथ है 3/10 है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट में डिवाइड किया तो आपको बताना है कि ईच पार्ट की लेंथ क्या होगी, तो ईच पार्ट की लेंथ कैसे निकलेगी, जब आप उसको डिवाइड माने क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जब आप उसको टू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा ईच पार्ट की लेंथ, तो ये आपको ट्राई करना है घर पे कि इसको ईच पार्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे डिवाइड करके, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं 14th वाला, 14th वाला देखना, 1/2 डिवाइडेड 1/2 ऑफ 1/2 upon 1/2 plus 1/2 of 1/2। अच्छा अनुरागी बेटा, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, आप देखना मैं ऐसे में सॉल्व कर रहा हूं वरना वो जगह बहुत ज्यादा ले लेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा ऐसी में कर लेता हूं, आप मुझे बताइए 1/2 डिवाइड 1, पहले सॉल्व क्या होता है, ऑफ होता है कि डिवाइड होता है, पहले ऑफ होता है, तो 1/2 डिवाइडेड, अच्छा 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1 और 2 जा 4, तो 1/ क्या हो जाएगा 4 डिवाइड, एंड नीचे अपॉन का साइन, अच्छा 1/2 प्लस पहले क्या होता है ऑफ सॉल्व होता है, तो 1/2 plus 1/4, ठीक है। अब आप देखना बेटा ए डिवाइड का साइन लगाए तो आप जानते हो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और बगल वाले को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और क्या हो जाएगा इधर 4/1, ठीक है। अब इधर देखना प्लस लगाए, क्या लगा है प्लस, तो इधर प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है, एलसीएम आएगा क्या 4 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, बीच में लगा है प्लस, 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 का 1 से करना चाहिए, ठीक है। हाँ फिर जगह नहीं बची है तो मैं यहां करता हूं 1/2 ए 2 बन जा 2 और 2 जा 4, तो इधर ऊपर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, 2/1 लिखे या 2 लिखे है ना, और नीचे क्या बचेगा 2 plus 1 3/4, ठीक है। अच्छा ए वाला नंबर डिवाइड में है और ए इस वाले नंबर के, ए वाले नंबर क्या है डिवाइड में, तो ए डिवाइड वाला नंबर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है तो बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल कैसे होगा 3/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/3, इसको मिक्स में करेंगे तो 2/3, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं आपको है ना, टेंशन नहीं लेना ना। क्वेश्चन ए था 14 वाला एमसीक्यू, इसको पहले मैंने ऑफ किया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 1/4 आया, इधर डिवाइड का साइन लगा था तो डिवाइड का साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन आता है और बगल वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मैंने रेसिप्रोकल, नीचे वाला मैंने ऐड किया एलसीएम लेकर, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम लेकर ऐड करते हैं, फिर हमारा बाद में बचा सिर्फ ए बचा, ठीक है ना। इसको बचने के बाद हमें क्या किया, ये डिवाइड में है ए अपॉन में है, इस नंबर के ए वाला नंबर अपॉन में है डिवाइड में, और डिवाइड में जो भी नंबर होता है तो मल्टीप्लाई पे जाने पर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 4/3 और मल्टीप्लाई और सॉल्व कर दिया,
ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ठीक है, 15th वाला आपका जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है कि कई ब्रैकेट्स उसमें लगे हैं, एक पैरेंथेसिस लगा है, एक कर्ली ब्रैकेट लगा है और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। पहले आपको पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस मतलब एस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जैसे जैसे ब्रैकेट ओपन होता जाएगा तो फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना, फिर आपको सॉल्व करना है इस स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, घर पे इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूं इसका, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, एक मल्टीप्लाइंग नंबर मशीन है, एक मशीन भी है मल्टीप्लाई नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक मशीन आती है, आती नहीं इसमें लिखी है, वो क्या करती है, वन फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में चेंज कर देती है, एक फ्रैक्शन को किस फ्रैक्शन में कर देती है, दूसरे फ्रैक्शन में, इस रूल से करती है। रूल क्या है उसका, उसका रूल है कि 1/2 को 1/10 कर देती है, 1/7 को 1/35 कर देती है, 2/3 को 2/15 कर देती है। तो उसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो 5/3 को किस में चेंज किया जाएगा। ठीक है, देखो, देखिए, अ मशीन चेंज नंबर, अ मशीन, अ मल्टीप्लाइंग मशीन, अ मल्टीप्लाइंग चेंज द नंबर मशीन चेंज द नंबर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, चेंज द नंबर। देखिए फर्स्ट वाला नंबर जो है उसने कैसे चेंज किया, 1/2 था और क्या कर दिया, चेंज करके 1/10, समझ गए। अब हमें ये बताना, इन जो 1/2 है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, 1/2 है, 1/10 है, तो 1/10 को हम 1/2 × 5 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना, 1/2 के मल्टीप्लाई में किसका मल्टीप्लाई हुआ, 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो 1/10 आया। इसी तरीके से आपका क्या था, 1/7 को उसने किस में चेंज किया, 1/35 में, तो हम 1/35 को कैसे लिख सकते हैं, 1/7 × 5, मतलब उसने 7 में किसका मल्टीप्लाई किया था, 5 का, तभी तो 35 आया। अब आप नेक्स्ट देखना, उसने नेक्स्ट नंबर 2/3 को कन्वर्ट किया 2/15, 2/15 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ऊपर 2 है, इधर हम नीचे 3 × 5 लिख सकते हैं, मतलब उसने सभी के डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई किया, सभी के डिनोमिनेटर में उसने 5 का मल्टीप्लाई किया, 2 के में 5 का मल्टीप्लाई किया तभी 35 आया, 3 में भी 5 का मल्टीप्लाई किया तभी क्या आया, 15 आया। तो भी हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग क्या समझ चुके हैं बच्चे, हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो मशीन है वो मशीन क्या करती है, डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करती है, मशीन क्या करती है, डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करती है। वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, हाँ, वी अंडरस्टैंड द पैटर्न, वी अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट मशीन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर पार्ट लिखते जाना बेटा, डिनोमिनेटर पार्ट बाय 5, किससे मल्टी, हम लोग ये समझ चुके, द वी अंडरस्टैंड द पैटर्न, हम इस पैटर्न को समझ चुके दैट मशीन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 5, मशीन क्या कर रही है, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही है। सो हमें किसको चेंज करना है, सो 5/3
3 का चेंज कैसे होगा, 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 ही कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया तो क्या आया 1 अपॉन 3, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 3, समझ गया ना। वी अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट मशीन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 5, मशीन क्या कर रही है 5 से मल्टीप्लाई कर रही है उसके डिनोमिनेटर में, तो 5 अपॉन 3 को हमें चेंज करना था मशीन के हेल्प से, मल्टीप्लाई करना था, तो मशीन ने क्या किया 5 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन न्यूमरेटर में भी 5 था तो 5 से 5 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 3। ओके समझ गए लावण्य बेटा। और चरित्र 17 वाला क्वेश्चन, 17 वाले में लिखा है कि प्रिंटेड लेटर्स पेज नंबर 31 पर है, प्रिंटेड लेटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड पॉइंट्स, जो लेटर है प्रिंटेड मतलब छपे छपाए जो लेटर्स होते हैं उनको पॉइंट्स में मेजर करते हैं, 1 पॉइंट में 1 अपॉन 72 इंच होता है, 1 पॉइंट में कितना इंच लेते हैं 1 अपॉन 72, इफ यू आर बॉन्ड टू प्रिंटेड टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1 अपॉन 4 इंच टॉल, कितने टॉल आप प्रिंट करना चाह रहे हो 1 अपॉन 4 इंच टॉल, तो व्हाट पॉइंट साइज शुड यू यूज, तो आपको देखो टोटल साइज कितनी है 1 अपॉन 4, और एक पॉइंट में कितने साइज का प्रिंट हो रहा है आपका 1 अपॉन 72, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आप इन दोनों को डिवाइड लिख लीजिए एक जगह, उसी क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए, उसी क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए कि इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर, कैसे, क्योंकि ए 1 अपॉन 4 हमारा टोटल प्रिंटेड पेज है जितना हमें प्रिंट करना, और 1 अपॉन 72 इंच पर एक पॉइंट काउंट किया जाता है, तो टोटल पॉइंट कितने काउंट होंगे, तो वी विल डिवाइड दिस बाय 1 अपॉन 72 देन वी गेट द आंसर हाउ मेनी पॉइंट वी गेट, ठीक है ना, तो आप साइड में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 के साइड में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको घर से करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 के साइड में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है What is the least fraction that must be added to make the result an integer? हम क्या add करें इसमें? हम इसमें क्या add करें कि एक क्या बन जाए? एक integer बन जाए। ये समझ रहे हैं ना? एक expression दिया है आपको। 1/3 divided 1/2 divided 1/9. What we add in the number so we get resulted number is इंटीजर। इंटीजर जानते हो जिसमें अपॉन में ना हो, इंटीजर क्या होते हैं जिसमें क्या ना हो, नंबर अपॉन में ना आए, ठीक है ना, समझ गए ना, देखो ओके देखिए ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं सॉल्व करता हूं, 1st वी सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, फर्स्ट वी सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन ठीक है ना, हम पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारा 1/3 divided 1/2 divided 1/9 ठीक है, 4/3 मिक्स्ड को सिंपल में करेंगे, इधर 3/2 पे डिवाइड, 9 बन जाए 9 और 1 10 10/9, और हम लोग डिवाइड भी जब भी होता है तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, कहां से करते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, देखो राइट हैंड साइड मतलब
यहाँ लेफ्ट लिया और फिर जो राइट पार्ट में होगा उसको डिवाइड, उस वाले डिवाइड को, मतलब लास्ट वाले नहीं, लेफ्ट से ए जो राइट में है 3/2। देखिए 4/3 डिवाइड का साइन हटाएंगे क्या आएगा बेटा, डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका डिवाइड का साइन हटाएंगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 9/10, ठीक है। आप देखना इधर कुछ कट रहा है क्या, 9 है, 3 3 9 ये कट जाएगा, ए वाला 3 इससे कट जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 5 10, क्या आया 4/5, क्या आंसर आया 4/5। अब आपको ऐसा बताना है ऐसा क्या ऐड करें, क्या ऐड करें। अच्छा 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो क्या हो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर छोटा हो, आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, समझ रहे ना, आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आपको ऐसा नंबर निकालना है कि इसमें क्या ऐड करें, इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर आए वो क्या बन जाए, एक इंटीजर बन जाए। अच्छा 4/5 के बाद जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, बन ही होगा, क्यों बन होगा, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर बन नहीं होता कोई और होता तो ये क्या होता, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता, इम्प्रॉपर में होता तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते थे। तो पहले आप देखिए, लेट द अब हम देखते हैं, लेट द एडिट नंबर बी एक्स, हम क्या मानते हैं एडिट, हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, एक्स ऐड करना है, ठीक है, टू गेट इंटीजर वन, हमें इंटीजर वन चाहिए, वन लेने के लिए क्या करना है, ऐड एक्स ऐड करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, x हमने ऐड किया किसमें, 4/5 में, तो हमें क्या मिल गया 1, इंटीजर हमें 1 क्यों चाहिए, क्योंकि 4/5 की जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा, इसलिए। अब देखिए प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - 4/5, इसके नीचे 1 लगा दे, एलसीएम क्या आएगा 5, और ये 5 × 1 - 4 क्या आया 5 - 4/5, तो वी गेट 1/5, तो ए आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यू कैन चेक आउट। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूं कि ए इस क्वेश्चन में दिया था कि अगर हम इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें एक इंटीजर मिले, इंटीजर जाने जानते हो जो डेसिमल नहीं होते, जो अपॉन में नहीं होते, वो इंटीजर होते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, 4/5 आया, 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन की जस्ट बाद वाला इंटीजर होता है 1, तो हमने माना कि लेट द एडिट नंबर पी एक्स, हमने माना कि इस नंबर में अगर हम x का ऐड करें तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो हमने x का ऐड किया 1 मिल जाएगा, तो हमने सॉल्व किया इसको, ये प्लस में था सेट गया माइनस में, सॉल्व किया तो 1/5 आया, तो 1/5 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 एक इंटीजर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव सम वर्ड प्रॉब्लम, सेकेंड सी, नोट इट डाउन, मैं एक मिनट दे रहा हूं आप नोट कर लें, एक्सरसाइज नाउ सेकंड सी, हाँ सेकंड सी, सेकंड सी का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना बेटा, चरित्र फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना सेकंड सी का, हाँ
देखिए इसमें लिखा है 3/5 ऑफ अ रोड इज टू बी रिसर्फेस्ड। हमने क्या किया, रोड को रिसर्फेस किया, मतलब उस पर फिर से रोड डाली, एक पूरी रोड को नहीं डाला हमने, 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन वन से क्या होता है, कम होता है, ये आप जानते हैं। इफ द रोड इज टू 3/5 किलोमीटर लॉन्ग व्हाट इज द किलोमीटर इज टू बी रिसर्फेस, कितना पार्ट रिसर्फेस हुआ। देखना आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। हाँ, कौन सा फर्स्ट वाला है, इसको सॉल्व किया। टोटल लेंथ ऑफ रोड टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या है, 2/3/5 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है कि कितना पार्ट रिसर्फेस हुआ, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड is to be resurfaced। देखो इस बात में, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि जब भी ये आए कि मैंने टोटल का 3/5, टोटल का 2/6, टोटल का 1/2, टोटल का 3/4, ऐसा आए तो हमें जस्ट मल्टीप्लाई दिस, हमें उसका क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने किया 2/3/5 मल्टीप्लाई कितना आपका 3/5, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो 5 × 10 = 13/5 मल्टीप्लाई 3/5, 13 × 3 = 39/25, ठीक है। अब देखिए इसको मिक्स्ड में करेंगे 1/14/25 किलोमीटर, ये आपका रोड का आ जाएगा। तो टोटल लेंथ तो रोड की हमें इतनी दी थी, वो बोल रहा था लेंथ ऑफ द कुछ रोड रिसर्फेस्ड हुई, कितनी पार्ट रिसर्फेस हुई थी, 3/5, तो उसी का टोटल का 3/5। टोटल का क्या है बेटा, का हिंदी का कार है ना, तो का की जगह हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे ऑफ होता है ना, ऑफ, ऑफ की जगह क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगा के इसको सॉल्व कर देना है, बस यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। बस हमारी क्लास आज यही।